हम लोग 149 फ्लोर पे भी जाएंगे तो देखते हैं। और हम लोगों ने इसे फाइनल किया है। और अगर आप इसमें बताओ कि लेसेस कौन से अच्छे लग रहे हैं? दिस वन विद द लेस और विद द ब्लैक ओनली। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं बुर्ज खलीफा की तरफ। और कल हम लोग रात में मैं क्लब चला गया था तो मैं फिर वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर पाया क्योंकि बहुत अंधेरा था। थोड़ी बहुत वीडियोस और रील्स मैं आप लोग को शेयर करूँगा जो कि थी। अब हम लोग जा रहे हैं एट द टॉप बुर्ज खलीफा और हम लोग आपको वहाँ पे 125th और 124th फ्लोर पे आपको दिखाएंगे कि वहाँ से कैसा लगता है, क्या टिकट होता है। वैसे तो मैं आपको टिकट ऐसे बता देता हूँ, इट्स अराउंड नॉन प्राइम टाइम का जो टिकट है वो है 155 AED और प्राइम टाइम में है 250। तो 250 AED इज़ द प्राइस फॉर द प्राइम टाइम। ओके गाइस तो देखिए। ओहो दुबई किसान तो गाइस यार गर्मी तो है, ठीक है। आज इतनी सनलाइट नहीं है बट तब भी गर्मी तो है, धूप नहीं है पर। और आप देखो यहाँ पे एमआर में सी पिज़्ज़ा हट, बैलेंसियागा, लॉगमो, ऑरेंज कैफे, हुक्का हुक्का बर्बरी, ये यहाँ पे गाइस फाउंटेन शो होता है पूरा। और ये दुबई मॉल भाई बहुत ही बड़ा है, ये आप 7-8 दिन 10 दिन में भी पूरा नहीं घूम सकते। पार्किंग घूम पाओगे आप 10 दिन में? पार्किंग में लगाने में बहुत मशक्क़त है यार बुर्ज खलीफा भाई। ऐसे आपको टिकट मिल जाते हैं, ये हम लोगों ने 4 टिकट ले लिए हैं और फिर अब हम लोग ये वाले टिकट काउंटर से टिकट लेते हुए अब आगे टिकट दिखाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये आधे घंटे का वो होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा गाइड करते रहूँगा, है ना गाइस? तो गाइस अभी यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ले ली है। यहाँ पे भी एक एयरपोर्ट की तरह एक सिक्योरिटी चेक होता है और होना भी चाहिए यार। देखो अपने वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है तो होना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। अब हम लोग जैसे ही वहाँ पर फ़ोटो खींचता है उसके बाद आप नीचे आते हो, देन ये एक मॉडल बने हुए हैं बुर्ज खलीफा का। नो 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 है दो। फिर उसके बाद जो मॉडल है उसके बाद अपन निकलते हैं यहाँ, देन ये एस्केलेटर से आपको ऊपर ले जाएगा। हम लोग क्या हेल्थ कॉन्शियस है तो हम लोग पैदल चलते हैं यार, भीड़ है बहुत इसीलिए। ओके फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। जैसे ही वो एलिवेटर चढ़ते हैं तो ये चीज़ आप देखो, इन्होंने भी वही चीज़ जैसे अपन वहाँ पे गए थे व्यू एट द फार्म पर, तो इन लोगों ने भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है 2004 से दे आर क्रिएटिंग द सुपर स्ट्रक्चर स्टार्टेड एंड ऑल। Sir, you have to stay with us, okay? Please. Can you listen? लोगों की जगह और भीड़ ना हो तो फिर ऐसा मतलब ही क्या है। तो एक घंटे की क्यू थी और अभी भी हम लोग क्यू में ही हैं और बहुत ज़्यादा पूरा। तो गाइस बहुत ज़्यादा लंबी क्यू थी ये, उसके बाद अब हम लोग जाके एलिवेटर्स की तरफ बढ़े हैं तो आपको दिखाता हूँ जैसे हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। राइट नाउ वी आर एट द ग्राउंड फ्लोर। गाइस अब हम एलिवेटर्स की तरफ आ चुके हैं, अब एलिवेटर्स देखते रहो।
बहुत लंबी है। हमारी ऐसी होती है एंट्री यहाँ की। और हेलो फैमिली, सम पिक्चर टुगेदर, हैव अ सीट। प्राइस तो हम यहाँ 124th फ्लोर पे हैं अभी, और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। हम लोग अब नीचे जा रहे हैं कैफ़े में कुछ खाने, और अभी हम लोग 149 फ्लोर पे भी जाएंगे तो देखते हैं। दूसरा भी है, और अभी निकाल पता नहीं है, नहीं जा रहे हैं। ये दुबई मॉल, ये फाउंटेन, ये क्या है, कहाँ पे खाना चल रहा है। आप लोग को लेटर पोस्ट करोगे आपके यार जाएगा, बट उसमें वही पुराना जितना टाइम लगता था उतना टाइम लगेगा दीदी बटरफ्लाई बनने में, और उतना ही टाइम लगेगा बट आपके यार पहुंच जाएगा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं भेज देता हूँ उसे। चलो गाइस, अब हम लोग 124th फ्लोर पर जा रहे हैं, और मेरे पास हर जगह भीड़ है, यहाँ तो मतलब ही नहीं है। प्राइम टाइम पे आने का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर इतनी भीड़ है तो गाइस, तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द कैफे, और यहाँ तो बहुत थक गया है यार, तो चलना बहुत पड़ रहा है ना, एक
रास्ते चलने की आदत नहीं है ना बुल्लू, तो वो चीज़ उसका मेरी वीडियो। सो गाइस अभी यहाँ पे देखो हम लोग एग्जिट कर रहे हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के लिए, उसमें भी यार देखने कितनी बड़ी भीड़ है, मतलब यार थोड़ा सा खाली है, इससे ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ। तो एक पर्सन ने हमारे स्काई ट्रैक लिया हुआ था, एदन और सबा ने, तो वो लोग स्काई ट्रैक पे हैं, हम लोग भीड़ में लाइन में हैं। अपने खुद के 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, हाईएस्ट का, टॉलेस्ट का और हाईएस्ट रेसिडेंस का, तो वो चीज़ है। यार पैदल बहुत चलना पड़ रहा है यार यहाँ पे। भाई यहाँ पे शायद लोगों को पता नहीं होता कि टिकट पे आपको एक प्रोफो फ्री मिलता है और ये कैफे से आपको लेना पड़ता है, तो हम लोगों ने तो अपना ले लिया था, या तो आप एक सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हो या तो कोई क्रोसॉन ले सकते हो। मेन्यू में कोई ज़्यादा आइटम है नहीं, ये हमारा भीम है, जैसे भीम को लड्डू पसंद है ना, वैसे हर कुछ। तो गाइस हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया है, अब जाके हम लोग नाइकी शोरूम जा रहे हैं। नाइकी टाउन है यहाँ पे, पूरा शोरूम तो है ही है, टाउन है पूरा, तो अब हम लोग वहाँ पे आपको दिखाते हैं। बहुत बढ़िया शोरूम लगा हुआ है, तीखा खाना खाया है इतने दिनों बाद, तीखा खाना खाया है भाई, तीखे खाने की आदत हो गई है। तो गाइस हम अभी हम लोग फुट लॉकर पे जा रहे हैं, फुट लॉकर के बाद हम लोग नाइकी टाउन आप लोग को दिखाएंगे, क्योंकि शायद यहाँ पे ऑफर्स चलते रहते हैं, शायद कुछ ऑफर में अच्छा मिल जाए वो चीज़। इंश्योरेंस यार, कोर्ट पर्पल नहीं है एक भी जगह है।
गाइस हम लोग तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, अब फिर से हम लोग जॉर्डन पे आए हैं क्योंकि जॉर्डन लेना ही था। तो हम लोगों ने एक लिमिटेड एडिशन जो पीस है यहाँ का, जो स्पाइडरमैन एडिशन है शिकागोज़ का, तो वो हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने इसे फाइनल किया है और अब इसकी हम लोग बिलिंग कराने जा रहे हैं गाइस। पर आप इसमें बताओ कि लेसेस कौन से अच्छे लग रहे हैं? दिस वन विद द लेस और विद द ब्लैक ओनली। लोगों ने अब फाइनली शूज़ ले लिया है। चलो सुनिए, तो स्टोर क्लोज हो गया, आखिरी ग्राहक हम ही थे भाई, क्या करें। नाम से लिखते हैं सर। भाई जॉर्डन्स का स्टोर होना चाहिए यार। सर अरे भैया चलो गाइस, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत खर्चा भी हो गया। चलो यहाँ पे इस तरफ जब हम लोग बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में और हम लोग निकल रहे हैं अब कहीं ड्राइव पे और फिर देखते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग निकलते तो हैं पहले यहाँ से दुबई मॉल से, अब निकले हैं हम लोग। बहुत मोटा खर्चा हो गया आज, बहुत ज़्यादा। बट हमारे घर में नई चीज़ आ रही है। क्या क्या आ रही है, क्या आ रही है?